तो भगवान महावीर की जन्मस्थली कुंडलपुर में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन 21 एवं 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। वहीं बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर इस महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे। तो मंत्री विजय कुमार जैन ने बताया कि भगवान महावीर की 2623वीं जन्म जयंती का समारोह मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी लोग 21 और 22 अप्रैल को यह महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें हर बार की तरह प्रातःकाल झंडारोहण के साथ रथ यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से जैन श्रद्धालु गण पधार रहे हैं। तो मुख्य मंदिर में विराजमान भगवान महावीर की पंचामृत से महामस्तिका अभिषेक करेंगे। वहीं 21 तारीख की संध्या में बिहार के राज्यपाल दीप प्रज्वलित कर कुंडलपुर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो कलाकारों के द्वारा भगवान महावीर के जन्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा को दिखाएंगे। दूसरे दिन 22 अप्रैल को नित्य अभिषेक पूजन विश्व शांति महावीर मंडल विधान एवं संध्या में जैन भजन गायक नवीन पांड्या की प्रस्तुति, नालंदा संगीत कला विकास संस्थान की प्रस्तुति होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर कोई भी कार्यक्रम राजनीतिक दलों एवं पार्टियों से संबंधित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। भगवान महावीर की ये 2623वीं जन्म जयंती का समारोह है, जिसे कुंडलपुर महोत्सव के रूप में हम सभी मनाते हैं। दो दिवसीय ये महोत्सव है, 21 और 22 तारीख का। 21 तारीख को प्रातः रथ यात्रा के साथ हम कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। उसके पश्चात भगवान की मुख्य मंदिर में विराजमान प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक दूध दही घी जल सर्वौषधि हल्दी आदि से करेंगे। तत्पश्चात सारे विश्व में अहिंसा की स्थापना हो, क्योंकि भगवान महावीर जन जन के थे, जैन धर्म जन जन का है। जिसने अहिंसा का पालन किया, शाकाहार को अपनाया, वो अपने आप में जैन है। इसलिए उनके जिए और जीने दो के नाम 21 तारीख से इसका शुभारंभ, यानी कल से इसका शुभारंभ हो रहा है और 22 तारीख तक ये महोत्सव चलेगा। इस महोत्सव में दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, कर्नाटक से बहुत बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालुगण आ रहे हैं और उनके रहने की भोजन की व्यवस्था पूरी समिति की तरफ से की गई है। लोगों में बहुत उल्लास है, क्योंकि गत वर्ष कुंडलपुर महोत्सव किसी कारण से रद्द हो गया था। इस बार लोगों को बहुत भावना थी लोगों की कि महोत्सव जो है खूब धूमधाम से मनाया जाए। और मुख्य अतिथि में कौन है? मुख्य अतिथि में माननीय गवर्नर साहब, यहाँ के बिहार राज्य के।